हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिपियल में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंड करने जा रहे हैं कंडेंसर का कैसे कनेक्शन होता है और सेलिन फैन में सीरीज बोर्ड से कैसे चेक किया जाता है कि कौन सा वायर क्या काम करता है, इसके बारे में फुल जानकारी देने जा रहा हूँ। आज हम सीरीज बोर्ड से चेक करके बताएंगे कौन सा मेंस है, मेन वायर है, कौन कॉमन वायर है और कौन स्टार्टिंग वायर है। कैसे चेक करते हैं सीरीज बोर्ड से आज हम बताने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तीन ठो वायर है, रेड कलर का और येलो और ब्लू, और एक ठो कैपेसिटर है। इसके कैपेसिटर का कनेक्शन किस वायर में किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सीरीज बोर्ड एक ठो ले लेंगे हम, और उसमें एक ठो सीरीज बोर्ड को मैं प्लग लगा लेंगे तो दो ठो वायर उससे हम चेक करेंगे। देखिए इस तरह से चेक किया जाता है। सीरीज बोर्ड बनाने का मैंने वीडियो बनाया है, उससे आप सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। इस तरह से हम चेक करेंगे। देखिए मेरा लाइट हल्का जल रहा है, ये 100 वाट का बल्ब जो है इसमें हल्का लोडिंग जल रहा है, यानी देखिए ये तेज जा रहा है। तो रेड वाला वायर जो है, देखिए इस पर से सारा चेक करेंगे, इससे तेज जल रहा है वायर। देखिए तो इसका मतलब हुआ कि मेरा जो रेड वायर है वो कॉमन है। कॉमन जो होता है सबसे तेज जलता है, और उसके बाद जो ये रेड ब्लू देख रहे हैं इसमें से जो तेज जलता है वह स्टार्टिंग होता है। ये रेड हो गया कॉमन, और ये रेड और येलो हो गया मेरा ये स्टार्टिंग, और ब्लू जो वायर है ये हो गया, और ये ब्लू जो वायर है ये हो गया मेरा रनिंग। रनिंग का काम है चलते होता है, और येलो जो है वो धक्का देने का काम करता है, इसलिए स्टार्टिंग होता है, और जो रेड है वो कॉमन हो गया। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर लेंगे, और ये जो देख रहे हैं येलो और ब्लू कलर का वायर, इसमें हम किसी ये जो कंडेंसर है इसका उसमें कनेक्शन कर लेंगे। जो कंडेंसर दो ठो वायर देख रहे हैं उसमें रेड ब्लू में किसी को किसी में आप जोड़ सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, इसमें कोई भी किसी में जोड़ सकते हैं, रेड को केवल नहीं जोड़ा। रेड में रेड को हम सबसे पहले कस लेते हैं, इसको अलग से सबसे ऊपर वाले में सेट कर लेते हैं। अब हमारा बचा दो ठो रेड वाला वायर में, इसमें कैपेसिटर का एक भी तार इसमें नहीं जुटेगा, इसमें केवल जो न्यूट्रल पे जाता है उसी में से जुड़ना है। उसमें देख सकते हैं एक ठो येलो में हम कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेंगे, और एक ठो ब्लू में देख सकते हैं येलो में हम कर लिए, अब ब्लू में कर लेते हैं कनेक्शन एक ठो। इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ये जो देखिए ये येलो जो वायर है इसको हम क्या करेंगे कि इसमें एक ठो कनेक्शन देंगे न्यूट्रल फेज का, और एक ठो रेड वाला में ब्लू में देंगे। अगर हम येलो में नहीं देते, अगर ब्लू में देंगे तो क्या होगा कि उल्टा फैन चलेगा आपको, इसलिए हम स्टार्टिंग में देंगे, इसलिए स्टार्टिंग से देने में सही चलेगा फैन। नहीं तो अगर ब्लू में आप देते हैं, ब्लू जो वायर है उसमें अगर देते हैं कनेक्शन, तो वो क्या होगा कि उल्टा आपको चलेगा। तो सबसे पहले हम ये येलो और एक ठो कंडेंसर का जो लिए हुए थे उसको हम कनेक्शन कर लेंगे। जो देख रहे हैं आप एक ठो ब्लू वायर निकला हुआ है अभी, और कैपेसिटर का जुड़ा हुआ है, उसको हम टेपिंग कर लेंगे अलग से, या इसमें दिया रहता है बीच वाले में कसने के लिए, तो हम अलग इसको टेप से टेपिंग कर लेते हैं, ये अलग पता चलेगा, इसलिए इसको हम सबसे पहले टेपिंग कर लेते हैं। इस तरह से अब देख सकते हैं यहाँ कनेक्शन हो गया है। देख सकते हैं रेड वाले वायर जो है उसमें कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा है, और येलो वाला है जो नीचे है। अब न्यूट्रल और फेज लेंगे, एक ठो ऊपर की तरफ दे देंगे और एक ठो नीचे की तरफ। तो इस पर हमारा कनेक्शन इस तरह से हो गया, आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब दो वायर लेंगे हम और फैन में लगा कर देखते हैं, आपको चेक भी करा देते हैं चल रहा है या नहीं। तो हम सबसे पहले दो वायर ले लेंगे न्यूट्रल फेज के लिए इस तरह से, और अब हम कनेक्शन करेंगे। तो दो वायर ले लिए हैं, और ऊपर और नीचे जो दिया हुआ है रेड कलर का है उसमें एक ठो कनेक्शन कर लेंगे। इसमें भी न्यूट्रल फेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी को किसी में आप कनेक्शन कर सकते हैं, ऊपर या नीचे, ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही देंगे। तो एक ठो वायर ऊपर कर कनेक्शन कर लेते हैं, और एक ठो नीचे जो दिया हुआ है येलो वाला है स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का काम होता है कि धक्का लगाना है उसको फैन को, वही कैपेसिटर से काम करता है। तो सबसे पहले एक ठो ले लेते हैं नीचे की तरफ, और रेड कलर का वायर जो है वो कॉमन है, और येलो जो है स्टार्टिंग है, और ब्लू जो है
सब सारा बता दिए फंक्शन। अब इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, बुल्लू जो रनिंग है तो अब दो वायर कनेक्शन कर लेते हैं, आपको बोर्ड में चेक करके दिखा देते हैं किस तरह से होता है। इस तरह से आप किसी भी फैन का, सीलिंग फैन का कनेक्शन कर सकते हैं फ्रेंड। और सीरीज बोर्ड का हम एक तो वीडियो बनाए हुए हैं, इसमें आप वीडियो देख सकते हैं, मेरा चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं सीरीज बोर्ड किस तरह से बनता है। तो अब हम दो वायर को इसमें डाल लेंगे और चेक करते हैं, और इसमें एक तो पेचकस से डाल लेते हैं और उठा कर चेक कराते हैं फ्रेंड। देखिए इस तरह से मेरा फैन चलने लगा, देखिए मेरा फैन सही चल रहा है। अगर हम बुल्लू में कनेक्शन करते हैं तो यह फैन मेरा उल्टा चलने लगेगा, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता दें फ्रेंड। अब दूसरा मेरा वीडियो आएगा इस कैसे आप स्विच और रेगुलेटर से कनेक्शन करते हैं। मेरा वीडियो अगर नया है तो चैनल, मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। मैं अपना वीडियो अब समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.